दोस्तों आपके पास भी है जियो फ़ोन, और जियो फ़ोन के व्हाट्सएप को आप जब भी ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक समस्या दिख रहा होगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, और यहाँ पर एग्जिट बटन दिख रहा होगा। कैसे इस समस्या को आप ठीक कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम आपको 5 तरीका ऐसे बताने वाले हैं जिसके ज़रिए आप इस समस्या को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। काफ़ी आसान तरीका होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एग्जिट कर लेना है और सीधे चले आना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर चले आना है, ये तीसरा ऑप्शन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में, और ये दूसरा ऑप्शन ऐप परमिशन में। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर व्हाट्सएप को सर्च करना है, तो ये रहा व्हाट्सएप। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये व्हाट्सएप पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना है, और दोस्तों आपको यहाँ पर ग्रेंट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसके बाद आपको सारा चीज़ को कट कर देना है यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपने मोबाइल डाटा को यहाँ पर ऑन कर लेना है, नहीं तो आप वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इसके बाद आपको जियो स्टोर में आना है। जियो स्टोर में आने के बाद आपको व्हाट्सएप पर क्लिक करना है और उसको अपडेट कर लेना है यहाँ से। तो दोस्तों चलिए व्हाट्सएप को हम अपडेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर व्हाट्सएप को हम सर्च कर रहे हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम व्हाट्सएप को क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप व्हाट्सएप को अपडेट कर लिए हैं, तो इसे हम करेंगे ओपन। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग, ये दोबारा दिख रहा है। तो इसका अब तीसरा ऑप्शन हम ट्राई करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में चले आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आना है डिवाइस में, और उसके बाद सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है। तो दोस्तों आपको भी दिखा रहा है सिस्टम इज़ ऑलरेडी अप टू डेट, तो आपको यहाँ पर ओके क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों आपको अब चौथा ऑप्शन ट्राई करना है, और चौथा ऑप्शन ये है कि आपके मोबाइल को फैक्ट्री डाटा वाइप करना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके लिए हमें मोबाइल को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। तो चलिए फैक्ट्री डाटा वाइप करते हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पर हम अपने मोबाइल को खोलेंगे और यहाँ पर हम बैटरी को दोबारा डाल देंगे। और तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये रेड बटन और ये स्टार बटन या ये वन बटन आपको लॉन्ग प्रेस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं, और जैसे ही आपको ब्लू लाइट दिखेगा आपको ये रेड बटन हटा देना है। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पर मोबाइल रिबूट मोड में आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखना है, आपको यहाँ पर अब जाना है वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट में। वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट में आपको क्लिक करना है, ये रेड बटन से क्लिक होगा तो आपको यहाँ पर वाइप डाटा पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको यस पर क्लिक कर देना है, रेड बटन को आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपका सिस्टम वाइप डाटा हो रहा है, तो आपको इंतज़ार कर देना है थोड़ा सा। तो दोस्तों ये वाइप डाटा हो गया है, तो आपको यहाँ पर रिबूट सिस्टम नाउ पर क्लिक कर देना है रेड बटन से, ओके। तो दोस्तों मोबाइल स्विच ऑन होगा अब, तो इंतज़ार कर लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि अंत में हम व्हाट्सएप को ओपन कर चेक करेंगे व्हाट्सएप चल रहा है या नहीं चल रहा है। मोबाइल स्विच ऑन हो गया है, तो यहाँ पर हम करेंगे इंग्लिश। इंग्लिश सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेंगे, एक्सेप्ट। सो दोस्तों फाइनली हम व्हाट्सएप कर रहे हैं। तो यहाँ से दोस्तों हम